यहां पर कोई ऐसा है जो किसी मकान में किराए पे रहता था, बहुत पहले की बात है, किराए पे रहता था और उसके मन में एक बात आ गई थी कि मैं इस मकान को कभी नहीं छोड़ूंगा, इस मकान को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके ऊपर कब्जा करके रखूंगा। कौन है वो मकान? उसने छोड़ दिया, वहां से शिफ्ट हो गया, पर मन में एक बार ऐसा आया था कि इस मकान को नहीं छोड़ूंगा। लो जी, आप हैं पास्टर जी, मैं पहला रहती थी रेंट पे, वहां से मन नहीं करता था, बस यहाँ ही रहूं और मेरा अब और कैसे शिफ्ट हो रखी रेंट पे। आप हैं? अब भी रेंट पे ही रह रही हूँ। रेंट पे रह रही, लेकिन उसको आप सोचते थे इसको छोड़ूंगी नहीं कभी? हाँ जी, जहाँ से हम पहले रहते थे ना, हाँ, तो हम सोचते थे हम इसे छोड़ेंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे, फिर बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो हमें शिफ्ट कर देते हैं, वहां से निकलना पड़ा आपको। हाथों को ऊपर उठाओ, सुनो, बाइबिल में लिखा है तू किसी की किसी वस्तु का लालच ना करना, वहां से दूसरी जगह लाने वाला भी परमेश्वर है। आमीन। दोनों के लिए एक भविष्यवाणी करता हूं, दोनों के पास अपना निजी मकान होगा, परमेश्वर अपना मकान तुम लोगों को देगा। आमीन। यीशु मसीह के नाम में अपने मकान की आशीष को ले, यीशु के नाम में जो खोलूं अपना, प्रभु यीशु के नाम में अपना मकान आशीष रिलीज करता है, जो खोलूं अपना। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।